तो फाइनली फेसबुक ने भी रिलीज़ कर दिया है अपने मैसेंजर के लिए डार्क मोड फीचर को। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मैसेंजर में डार्क मोड फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप अपने मैसेंजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप कोई भी एक चैट को ओपन कर लीजिए, जिसके भी साथ आप चैट करते हो वो आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ मैं कोई भी एक चैट ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद में आपको देखिए यहाँ टाइप करने का जो ऑप्शन आता है आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ साइड में देखिए आपको इमोजी का एक जो साइन आ रहा होगा आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पे। तो इसके बाद में आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, स्टिकर, GIFs और इमोजी का। तो आपको इमोजी पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके की आपके सामने विंडो ओपन आएगी। अगर आपने रिसेंटली कोई इमोजी ओपन नहीं कर रही है तो यहाँ आपको जो सेकंड वाली है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको नीचे ले जाना है, इसको स्क्रॉल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक आधे चांद की जो इमोजी आपको वो दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको आप सेंड कर दीजिए एक बार। तो आपके सामने क्या है ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे चांद है जो वो ऊपर से गिरेंगे। तो यहाँ इसके बाद देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, यू हैव फाउंड डार्क मोड टर्न ऑन इन सेटिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल्स के नीचे आप डार्क मोड है जो वो शो होने लगेगा। इसके बाद आप इसको इनेबल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ देखिए आपके जो है मैसेंजर में डार्क मोड है जो वो इनेबल हो चुका है। अब इसके बाद में आप क्या डार्क मोड फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो पूरा मैसेंजर है वो डार्क मोड में आ चुका है। तो अब आपको क्या है दोबारा इसको अगर डिसेबल करना है तो आपको इसके सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद में अब ये ऑप्शन है आपके उसमें मैसेंजर में इनेबल हो चुका है। जब भी आप दोबारा इसको करना चाहें तो आप सीधे बस इस पर आप अपनी प्रोफाइल पे आइए और उसके बाद डार्क मोड फीचर को इनेबल कर दीजिए। तो यहाँ से इस तरीके से इनेबल और डिसेबल आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कोई वीडियो जो वो पसंद आई होगी। अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं कि इस तरीके से इस फीचर को जो वो इनेबल और डिसेबल किया जा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।